सर, अग्नि 5 का प्रक्षेपण भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है सर? ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके आ जाने से हम पूरे के पूरे चाइना को हिट कर सकते हैं। अगर इसको साउथ इंडिया में भी डिप्लॉय किया जाए, बिल्कुल नीचे त्रिवेंद्रम में, तो त्रिवेंद्रम से बीजिंग का डिस्टेंस है 3,700 किलोमीटर और शंघाई का 3,780 किलोमीटर। मतलब यानी देश के सदर्न मोस्ट टिप से भी हम चाइना के बीजिंग को और शंघाई को तबाह कर सकते हैं। ये मिसाइल की वजह से हम पूरे चाइना को, पूरे यूरोप को कवर करते हैं। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों चिंतित हैं। चीन काफ़ी घबराया हुआ है इसके साथ में और इसका टेस्ट का चीन विरोध करता रहा है। ये मिसाइल जो है बड़ी आधुनिक मिसाइल है, सबसे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये 800 मील की ऊंचाई पर जाती है और 800 मील की ऊंचाई के बाद में ये जब वापस ज़मीन की तरफ, टारगेट की तरफ जाती है, तो इसकी री एंट्री स्पीड है 17,000 मील प्रति घंटा। उस स्पीड पे 24 गुना स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इसकी स्पीड है। उस स्पीड के ऊपर मिसाइल को डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल है, जिससे चीन काफ़ी से ज़्यादा घबराया और चिंतित है। मिसाइल जो है तमाम दुनिया की लेटेस्ट जो नेविगेशनल एड्स हैं उससे लैस है। इसकी सर्कुलर एरो प्रोबेबिलिटी बहुत ही उच्च दर्जे की है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हमने इसको बीजिंग को हिट टारगेट किया है, तो जो टारगेट चुना हुआ है प्लस माइनस 10 गज की एक्यूरेसी से जाकर उसको मिसाइल लगती है। मिसाइल की रेंज तकरीबन 5,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल से आ जाने से हिंदुस्तान वो 6 देशों की कड़ी में जुट गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। अभी तक ये मिसाइल थी अमेरिका के पास में, रशिया के पास में, चाइना के पास में, फ्रांस के पास में और यूके के पास में। अभी हिंदुस्तान दुनिया का 6ठा देश हो गया। ये मिसाइल की जो ट्रायल थी, ये प्री इंडक्शन की दूसरी ट्रायल थी। पहली ट्रायल हुई थी 18 जनवरी 2018, ये दूसरी ट्रायल थी। सर, अग्नि 5 के बाद भारत का अगला लक्ष्य क्या हो सकता है? अग्नि 5 के बाद में भारत का दूसरा लक्ष्य, अगला लक्ष्य है कि इसको जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल किया जाए। अभी तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में 4 प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई हैं, जो अग्नि सीरीज की है। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 और 4 जिनकी रेंज है 2500 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर। ये अग्नि 5 जब हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल हो जाएगी, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे देश की क्षमता जो है उसमें उछाल आएगा। सर, डिप्लॉयमेंट से कितनी दूर है अग्नि मिसाइल? कुछ महीने, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये सेकंड प्री इंडक्शन ट्रायल है, जो फुल रेंज पर मिसाइल को टेस्ट किया गया, हर प्रकार से सक्सेस हासिल हुआ। शायद 1 या 2 टेस्ट और होंगे और उसके बाद में इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में शामिल कर दिया जाएगा। ये तो अभी DRDO के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये टेस्ट पूरे करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड में।